तो आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे टैक्स पेयर को एक स्पेशल बेनिफिट दिया गया है जीएसटी पेमेंट के लिए, पेनल्टी के लिए। तो चलिए उसको ही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और आपके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है ये अपडेट। यहाँ पे एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका कि बिजनेस है सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब उस पार्टनरशिप फर्म ने जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और पेटिशनर फर्म इज़ रिक्वायर्ड टू फाइल मंथली, उसे अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी होती है एज पर द फॉर्म GSTR 1। नाउ पेटिशनर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी सर्विस टू द आउटलेट्स ऑफ एयरसेल, तो उनको सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करता है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। बट बिकॉज एयरसेल इट्सेल्फ वर आउट ऑफ बिजनेस, यानी कि जिसे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसी के पास बिजनेस नहीं है, तो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट इज ड्यू टू द पेटिशनर। तो जब जिनको सर्विस दे रहा है उनका बिजनेस नहीं है, इस वजह से सामने की पार्टी से पेमेंट आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट अभी ड्यू है, नहीं आ रही है। एंड बिकॉज ऑफ सच लॉस इन द बिजनेस पेटिशनर कुड नॉट पे द रिक्वायर्ड GST ड्यू टू द डिपार्टमेंट ऑफ टाइम। तो सामने वाली पार्टी से पेमेंट रुकी हुई है जिसकी वजह से जो हमारा टैक्स पेयर है वो भी बिजनेस में लॉस सफ़र कर रहा है और GST डिपार्टमेंट को GST की पेमेंट नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसने एक्सप्रेस करी अपनी विलिंगनेस कि वो टैक्स पे करना चाहता है, इंटरेस्ट पे करना चाहता है, पेनल्टी पे करना चाहता है जो कि असेस की गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से वो अनेबल है वो सब पे करने में और रिक्वेस्ट करता है कि उसे 48 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर ये पेमेंट अलाउ की जाए कि 48 इंस्टॉलमेंट्स में। हालांकि जो पावर है वो जो 48 इंस्टॉलमेंट्स की नहीं है, लेकिन फिर भी उसने रिक्वेस्ट यहाँ पे करी है। पेटिशनर इन दिस रिट पेटिशन क्लेम दैट बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन प्रिकेरियस फाइनेंशियल कंडीशंस इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू पे द एंटायर अमाउंट ड्यू प्लस इंटरेस्ट एंड पेनल्टी विद इन 36 इंस्टॉलमेंट, जो कि मैक्सिमम लिमिट रहती है चीफ कमिश्नर के पास, और इसीलिए उसने कहा है कि कोर्ट अपनी पावर को यूज़ करते हुए अलाउ करे 48 इंस्टॉलमेंट्स। तो फाइनेंशियल कंडीशंस तो जो है टैक्स पेयर की सही नहीं है, पेटिशनर की ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उसने ये रिक्वेस्ट करी है कि जो 36 इंस्टॉलमेंट्स हैं मैक्सिमम उसको जो है 48 इंस्टॉलमेंट किया जाए और कोर्ट जो है इस चीज़ को अलाउ करे। ऑल्दो देयर मे बी एन इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू यूज़ अ डिस्क्रिशन, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट इज़ स्टैट्यूटरली प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट अथॉरिटी मैक्सिमम परमिसिबल इंस्टॉलमेंट 36 रहती हैं। कोर्ट के पास पावर तो है कि वो अपने यूज़ कर सकता है, लेकिन लॉ के अंदर जो मैक्सिमम 36 इंस्टॉलमेंट्स बताई गई हैं, वी आर ऑफ द व्यू दैट कोर्ट नॉट टू रेंडमली एक्सटेंड सच इंस्टॉलमेंट बियॉन्ड 36 इन द गाइज ऑफ एक्सरसाइजिंग डिस्क्रिशनरी पावर। तो अपनी पावर को यूज़ करते हुए कोर्ट जो है इन 36 इंस्टॉलमेंट को एक्सटेंड तो नहीं कर सकता, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नोट कर रहे हैं फर्दर इंस्टॉलमेंट्स आर नॉट अलाउड टू द पेटिशनर फॉर्म को अगर ये जो 36 के बियॉन्ड इंस्टॉलमेंट वो मांग रहा है, 48 इंस्टॉलमेंट मांग रहा है, अगर उसको अलाउड नहीं की गई दे वुड नॉट बी एबल टू पे, वो टैक्स ड्यू नहीं पे कर पाएगा और जिससे कि क्या होगा, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैंसिल हो सकता है और इससे उसका बिजनेस भी एंड हो सकता है इन द प्रेजेंट फॉर्म दे आर अंडरटेकिंग। एंड इट वाज आल्सो एंड ऑफ द डिपार्टमेंट टू हैव एनी टैक्स फ्रॉम पेटिशनर इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंट बिजनेस एनी फर्दर। तो उस केस में डिपार्टमेंट के लिए भी यहाँ पर डिफिकल्ट हो जाएगा अपने ड्यूज को रिकवर करना। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने रिक्वेस्ट की है टू कन्फर विद द अथॉरिटीज़ इन द GST डिपार्टमेंट इन द फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसिस ऑफ प्रेजेंट केस के जो फैक्ट्स एंड सरकमस्टांसिस हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो परमिसिबल इंस्टॉलमेंट है इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 48 एंड डिपार्टमेंट अथॉरिटीज़ आर फेयर इनफ टू एग्री टू सच प्रोपोजिशन। नाउ an apprehension is raised that past conduct of the petitioner is such that it is not कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैसला लिया गया है हाई कोर्ट के द्वारा
कि फाइनेंशियल क्राइसिस को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने यहाँ टैक्सपेयर को अलाउ किया है कि वो अपने जीएसटी ड्यूज की जो पेमेंट है उसको 48 इंस्टॉलमेंट में कर सकता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये और बहुत ही बड़ा फैसला है जो हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है।